भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में कल देर शाम हुए धमाके मामले की जांच के लिए आज मौके पर एटीएस की टीम व बम निरोधक दस्ता पहुंची। टीम ने घंटों घटनास्थल की जांच की। घटनास्थल पर जमींदोज हुए मलबे को हटाकर कई सैंपल लिए गए। एटीएस टीम ने मीडिया से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, कल शाम हुसैनाबाद निवासी अब्दुल गनी के घर तेज धमाका हुआ, जिसमें घर जमींदोज हो गया। घटना में अब्दुल के बेटे की मौत हो गई, वहीं अब्दुल की पत्नी, मासूम बेटी और बड़ा भाई घायल हो गया था। घायलों का मायागंज में इलाज चल रहा है। इधर सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि घर में ही बम बनाए जा रहे थे। हालांकि भागलपुर एसएसपी इन सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद मस्जिद के समीप कुरैसी टोला में हुए धमाके से एक 17 वर्षीय युवक की मौत और तीन के घायल होने की सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल की बारीकी से जानकारी ली। वहीं डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, एफएसएल की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम के अलावे कई जांच टीम और स्थानीय थाना पुलिस भी मौजूद थे। घटनास्थल पर पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि यह काफी दुखद घटना है। इस धमाके से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई और तीन लोगों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। जल्द इस पर जांच टीम बैठाकर दोषियों को पकड़कर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ में कहा कि मलबा हटाया जा रहा है, गली संकरा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। मलबा हटने के बाद फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट आएगी, तब स्पष्ट हो पाएगा कि इस धमाके का क्या कारण था। अभी फोरेंसिक टीम जांच कर रही है, हम लोग भी उनके रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही इस विस्फोट के कारण का पता चलेगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि यह गैस सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर बम ब्लास्ट। साथ उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले भी भागलपुर में एक बम ब्लास्ट हुआ था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया था और जांच टीम जब घटनास्थल पर जांच की तो पता चला कि सुतली बम बनाकर वो रखते थे। इसी क्रम में उनके बच्चे वहां पर खेलने गए और यह दुर्घटना हुई थी। और संध्या में यहां पे सूचना मिली कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, तो यहां पे लोकल थाना यहां पहुंचे और इसके साथ ही साथ फिर एफएसएल की टीम को और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और यहां पे फायर ब्रिगेड की भी टीम है। और चूंकि रास्ता बहुत संकरा है तो जो मलबा हटाने में हम लोग को अभी समय लग रहा है, अभी आधा मलबा हटाया गया है। और अभी तक जो हमारी बात हुई है टीम से तो उनको कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है कि किस कारण से ब्लास्ट हुआ है। हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बाकी का बचा हुआ मलबा है वो हट जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इस बात की तरफ इंगित करेंगी कि ब्लास्ट का कारण क्या था। सर, मृतक के परिजन का कहना है कि उसके बाद ही बता पाएंगे कि घटना का कारण क्या था, लेकिन हमारी टीम जांच कर रही है और एफसी की रिपोर्ट आने के बाद, मलबा हटने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा क्या कारण है और उसके बाद जो भी विधि कार्रवाई है हम लोग करेंगे। सर, घर के जो मालिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये बम ब्लास्ट या बारूद रखा हुआ था। देखिए, घर के जो मालिक हैं इस घटना जब हुई है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे और उसके बाद इन्होंने आपके स्टेटमेंट दिया है, तो हम लोग को एफएसएल की टीम का जब तक मलबा हट नहीं जाता तब तक कहना कठिन है कि क्या एग्जैक्टली क्या रीज़न था वो ब्लास्ट के और किस परिस्थितियों में ब्लास्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि इसका इंतज़ार किया जाना चाहिए। आपको पता है कि अभी 10 दिन पहले भी मधुसूदनपुर में एक ब्लास्ट हुआ था और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके पूछताछ में भी इस चीज़ को बल मिला कि उसके द्वारा जो छोटे जो सुतली बम है उसका भंडार जमीन के कारोबार में मदद करने के लिए किया जा रहा था और उसके बाद एक्सीडेंट बच्चों के द्वारा वहां पर खेलने के दौरान ब्लास्ट हुआ था। तो हम लोग इसमें भी सभी जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे और हम लोग उसके लिए स्पेशल की टीम का रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो हमारी जाँच है पुलिस की तरफ से वो चल रही है। बम स्क्वाड टीम भी बम स्क्वाड टीम आ रही है, रास्ते में है, एक आध घंटे में वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो पहुंच जाएगी। डॉग स्क्वाड की टीम हमारी यहाँ पे मौजूद है ताकि वो आसपास के जो भी जगह है उसका भी भ्रमण करेगी कि कहीं इस तरह की और भी विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहीं है, मौजूद तो नहीं। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले में वरमाला के बाद एक दूल्हा मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आक्रोशित दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। यह मामला पुलिस तक पहुंचा
तो थानाध्यक्ष के साथ ही जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, दोनों पक्षों से बात कर दूल्हे को बुलाने की बात कही। इसके बाद जब दूल्हे के पिता ने आश्वासन दिया तब कहीं मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार यह मामला नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के चौधरी बासा गांव का है। यहां पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र से बारात आई थी। हंसी खुशी के माहौल के बीच शादी की रस्में निभाई गई। वरमाला के बाद बराती भोजन करने चले गए, इसी बीच दूल्हा फरार हो गया। दूल्हा के फरार होने की जानकारी मिलते ही दुल्हन पक्ष में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे कुछ बराती भी मौके से खिसक गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस मामले की सूचना जनप्रतिनिधियों के साथ ही इस्माइलपुर थानाध्यक्ष इजाज रिजवी को दी गई। थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से मामले की जानकारी दी। इस दौरान दुल्हन पक्ष ने तत्काल दूल्हे को बुलाने की मांग की। दूल्हा के नहीं आने तक लोगों ने बरातियों को बंधक बनाकर रखा है। ग्रामीणों ने कहा कि शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। बंधक बनाए गए दूल्हा पक्ष के एक व्यक्ति ने कहा कि जब हम आए जयमाला हुआ, इसके बाद खाना खाने गए तो इसी बीच दूल्हा भाग गया। अब किसके साथ गया है ये हम नहीं बता सकते। 100 बराती आए थे, लगभग 10 लोगों को बंधक बनाया गया है, बाकी लोग भाग गए हैं। वहीं पूर्वी कैसे जब बोल रहे थे आप, क्या बताएंगे? बताइए ना कैसे हुआ। जैसे हम आए मला फेरन हुआ, खाना खाने गए, बस इतनी टप बात है। हम इतने समय में लड़का गुम हो गया, भाग गया कि अब क्या होगा, देखे नहीं तो क्या कहे। किसके साथ भगा? अब ये कोई पता नहीं है किसके साथ, लकनिया साथ भगा है कि अकेले भगा है। कितना लोग आए थे आप लोग बराती? बराती आया था 100 को बराती होगा। कौन गांव से? फुलकिया टोला से। कहाँ पड़ता है? केलाबाड़ी। केलाबाड़ी में बराती आए थे? हाँ। आपका घर? फुलकिया टोला डोभाव रुपौली पड़ता है। भिट्टा पंचायत के मुखिया रघुनंदन कुमार उर्फ फूलो मंडल ने थानाध्यक्ष के साथ दोनों पक्षों से बात की। इस दौरान दूल्हे के पिता ने दूल्हे को लाने की बात कही, तब मामला शांत हुआ। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि शनिवार देर रात दूल्हा गांव पहुंचा और उसके बाद शादी की गई, बेटी को विदा कर दिया गया है। शादी करने गांव पहुंचे दूल्हे से लोगों ने पूछताछ की तो यह बात सामने आई कि दूल्हे को लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए वो भाग गया था। देश की जाने मानी सलून की श्रृंखला लुक सलून की सुविधा भागलपुर में मिलने जा रही है। रविवार 26 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन लुक सलून का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बेस्ट सलून चेन के अवार्ड से 3 बार सम्मानित लुक्स 34 वर्षों से देश की अग्रणी सलून रही है। लुक सलून का देश भर के 51 शहरों में 193 स्टोर है और अब भागलपुर के लोगों को गुड लुकिंग प्रदान करने के लिए अपने शहर भागलपुर में शुरू होने जा रही है। यह सलून भागलपुर के हाट खलीफाबाग चौक के निकट बिग शॉप शोरूम के ठीक बगल में शुरू होने जा रही है। लुक सलून भागलपुर के ऑनर मनोज शर्मा उर्फ कन्हैया शर्मा ने बताया, यूं तो शहर में काफी सलून है पर वे कंजस्टेड है और कम सीट उपलब्ध है। ये सलून पूरे बिहार का सबसे बड़ा सलून है। ये सलून खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए है जो अपने लुक्स को प्रायोरिटी देते हैं और कुछ प्रीमियम सर्विस की चाहत रखते हैं। वे पहले बड़े शहरों में जाकर लुक सलून की सर्विस का लाभ लेते थे पर अपने शहर भागलपुर में ही वो इसका लाभ ले सकते हैं। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध हैं। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपने इनॉग्रल ऑफर के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विस की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय टू गेट टू, बाय वन गेट 20% डिस्काउंट, बाय टू गेट 30% डिस्काउंट। यहां आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने,
भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट फोर, बाय वन गेट 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहां आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है, डेनिम जीन्स शर्ट टी शर्ट ट्राउजर पैंट जैकेट ट्रैक पैंट लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट पटल बाबू रोड स्पाइकर शोरूम के बगल में रिलायंस ट्रेंड्स के सामने भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के बबरगंज स्थित हुसैनाबाद स्थित अब्दुल गनी के मकान में हुए धमाके मामले में जांच की मांग उठ रही है। इस पर बिहार में भी सियासत तेज है। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हुक्मरान वंशवादियों की गोद में जा बैठे हैं, उग्रवादी और असामाजिक तत्व के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और फिर से बिहार एक बार जंगल राज की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार भागलपुर में हो रहे धमाकों से उनका मन काफी आहत है, इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए। कि भागलपुर ही नहीं पूरा बिहार जहां उग्रवादियों का आतंकवादियों के ढेर पर ये ज्वालामुखी के ढेर पर आज पूरा बिहार है, वहीं बिहार की सरकार सत्ता पर आसीन रह करके भ्रष्टाचार को वंशवादियों को सहारा दे करके जंगल राज की पुनरावृत्ति करने के लिए और वहीं सत्ता में कैसे बचे रहे प्रधानमंत्री का हसीन सपना देख रहे हैं, जहां सत्ता में रह करके आए दिन हत्या अपराध हिंसा उग्रवादी और आतंकवादियों को दूर करने का संकल्प लेके काम करना चाहिए, वहीं इनकी सरकार उनका प्रशासन झूठे तंत्र के आधार पर आज गलवाही बांध करके उन्हीं भ्रष्टाचारियों को उन्हीं वंशवादियों को उन्हीं परिवारवादवादियों को सहारा दे करके और सत्ता में मद में चूर रह करके फिर से मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। ये सपना सपना ही रहेगा। इनकी बारात जो आई थी ये बारात सज के आई थी, दूल्हा कोई था ही नहीं, बारात वापस चली गई और ये बारात बारात ही रहेगा। ये फोटो छपा करके बारात के लोग देश का नुकसान कर रहे हैं, बिहार का नुकसान कर रहे हैं, जिस देश का आज बुलंद झंडा आज मोदी मोदी की चिल्लाहट पूरे विश्व में हो रहा है, इससे इनको बेचैनी बढ़ गई है परिवारवाद वालों को और जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया था उन कांग्रेसियों को, और लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज फिर से नागनाथ के तरह आगे भारत की जनता को डसने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके दांत को तोड़ने का काम भारत की जनता करेगी। काजवली चक ब्लास्ट का भी अभी तक जांच काजवली चक का ब्लास्ट कांड नहीं हुआ और आज यहाँ भी एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, यहाँ अवैध पशुवध शाला चल रहा है और उस अवैध पशुवध शाला के कारण अनेक प्रकार की दास्तान और इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। इस अपराध के अंदर और भी बहुत बड़ी चीजें हैं, सरकार को इसकी CBI से जांच कराना। सजौर भतोड़िया नाथनगर मुख्य मार्ग से अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार छापेमारी से एरिया में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में दूसरे दिन शुक्रवार की देर रात्रि सजौर भतोड़िया नाथनगर मुख्य मार्ग से अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर को जब्त कर सजौर थाना लाया गया। वहीं जब्त ट्रैक्टर से 2 चालक गिरफ्तार हो गया है, बाकी चालक भागने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि सभी जब्त ट्रैक्टर सजौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है। वहीं गिरफ्तार चालक निरंजन ठाकुर और राहुल कुमार है, जो कि रविचक गांव का है। इन सभी मालिकों, चालक एवं माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं छापेमारी से बालू चोरों एवं बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि इस तरह की छापेमारी अभी लगातार जारी रहेगी। मानिक सरकार कालीबाड़ी में वी केयर के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे की पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। अवसर पर निर्मल चौबे की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके छोटे भाई एयरफोर्स में ऑफिसर थे और कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हुई है। वहीं आज आपातकाल का काला दिवस भी है। इस दिन युवा ब्लड डोनेट कर रहे हैं और देश की सेना को उत्साहित करने का काम किया जा रहा है कि देश की युवा सेना के साथ है। वहीं आपातकाल पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। नौजवानों ने आज रक्तदान देने का काम किया है। रक्तदान रक्त बैंक के जो प्रभारी हैं श्रीमती रेखा झा जी, इनका कहना है कि वी केयर जितना शहर में आज ब्लड की जरूरत होती है मेडिकल कॉलेज में, उसका आधा हिस्सा रक्तदान वी केयर संस्था के द्वारा हो रहा है। तो आज रक्तदान, आज 25 जून आपातकाल का दिन, आज के ही दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी और आपातकाल आज के दिन ही तत्कालीन कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर आपातकाल लगा करके मेरे जैसे नौजवानों को जेल के अंदर हजारों लोगों को बंद कर दिया था। जयप्रकाश नारायण सहित लोकनायक सहित सभी राजनेताओं को, अटल जी और तमाम राजनेताओं को जेल में बंद किया था। आज का दिन हमारे तमाम युवा, हमारे छात्र युवा उस दिन को भूल नहीं सकते और रक्त दे करके देश को बचाने का हमारे लिए नेशन फर्स्ट, फिर कोई भी व्यक्ति और परिवार और राजनीति दल। तो हमारे युवकों ने यह प्रेरणा जगाने का काम किया है कि जहां हम रक्तदान दे करके लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। भागलपुर जिले में एक तरफ प्रचंड गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर जिले में जल संकट गहराता जा रहा है, जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना भी धराशाही होता जा रहा है। इस योजना के तहत लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला सबौर प्रखंड के ग्राम पंचायत फरका के 2 नंबर वार्ड का है, जहां जल नल योजना के तहत जल मीनार तो बनाया गया, लेकिन इस जल मीनार से लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा। क्या समस्या है? हमको पानी नहीं पीने नहीं मिलता है ना। कितना दिन से नहीं मिल रहा है पानी? तो हमको जहाँ से आया है उससे तैयार से। कितना दिन पहले टंकी यहाँ लगाई थी? टंकी तो लगाया है 10 साल से लग गया होगा। तब से पानी नहीं मिल रहा है? नहीं। उसका सूचना आप मुखिया वार्ड वगैरह को दिए? सबको पता है, मुखिया को सबको पता है। क्या बोले वो लोग? क्या बोलता है तो मुखिया, उसको साधन रहेगा तब ना करेगा। क्या जिसको साधन? जिसको पर बनाया है अथी नल दिया है तो मैंने देते नहीं है पानी। इस संबंध में ग्राम पंचायत के मुखिया राजेंद्र मंडल ने बताया कि इस पंचायत में पूर्व से ही कुछ मामला लंबित था। जिस जमीन पर जल मीनार बनाया गया, उस जमीन का एनओसी नहीं मिल पाया था, जिस कारण धरातल पर काम उतर नहीं पाया था, लेकिन अब इसका एनओसी विभाग के द्वारा उपलब्ध हो गया है। इसके बाद अब द्रुत गति से काम करवा कर इस जल मीनार से लोगों तक पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। वहीं अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा नल जल योजना के तहत कब तक ग्रामीणों के घर तक पानी पहुँच पाता है। देखिए, 2 नंबर में जो है ना, पूर्व से कुछ मामला लंबित था, जहां पर जल नल का मीनार बना हुआ है, उस ज़मीन का एनओसी उपलब्ध नहीं था, इसलिए उस पर हम लोगों ने कोई योजना चला नहीं पाया। कल एनओसी मिला है और कल से जो है युद्ध स्तर पर पेयजल व्यवस्था का काम किया जाएगा। जैसे कि मुखिया जी, पता चला है कि उस टंकी से खेत भी पटाया जाता है और एक महिला थी वहाँ पर, अभी उन्होंने बताया कि जब से टंकी बनाई थी तो हमें पानी नहीं मिल रहा है। हम बोले नहीं, उसमें एनओसी नहीं मिलने की वजह से जो है ना, हम लोग अपने स्तर से उसमें काम नहीं करवा पाए। जैसे वो खेत पटाया जाता है टंकी में, टंकी में भूसा भी रखा है उस रूम में,
इसके बारे में क्या बोलिए? देखिए, हम लोगों ने एक तो जन जागरण भी किया, लोगों को कहा कि आप लोग जागरूक होइए, और जागरूक नहीं होइएगा तो ये जो तटबंध करता है पानी उसी में बर्बाद होगा, तो पीने के लिए मिलेगा कहाँ से। तो लोगों में जागरूक किया जा रहा है और धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। वो जो टैंकी बनाए, टैंकी का रूम में जो घुसा रखा है वो कौन रखा है? बोले नहीं, पूर्व से मामला ये था कि उसका एनओसी नहीं मिला था,